हाय फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। आज की ये रीडिंग है उन व्यूअर्स के लिए जो इस वक्त किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं। रिलेशनशिप आपका मैरिटल या लव रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर एक लविंग फ्रेंडशिप भी हो सकती है। तो इस रीडिंग से देखते हैं फ्रेंड्स, इस वक्त आप दोनों के बीच व्हाट्स द इशू गोइंग ऑन, क्या इशू चल रहा है। ये रीडिंग उन व्यूअर्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल रहेगा दोज हु हैव सम ट्रस्ट इश्यूज बिटवीन देम। तो फ्रेंड्स, देखते हैं एट प्रेजेंट जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो और आप दोनों के बीच व्हाट्स द इशू। अगर ये सिचुएशन आपको लगता है आपके साथ है, तो फिर इस रीडिंग से लेट सी हाउ योर पर्सन रिएक्ट्स, वो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस रीडिंग से फ्रेंड्स आप समझ पाएंगे इफ यू आर बींग डिसीव्ड, चीटेड, या कुछ आपसे छुपाया जा रहा है। टेक दिस रीडिंग ओनली एज अ गाइडेंस। फ्रेंड्स, इस वक्त फ्रेंड्स लुक्स लाइक पर्सन जो हैं आपके इज इन सम थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। और टेम्परेंस कार्ड यहाँ है फ्रेंड्स, इट मीन्स आप दोनों के बीच समथिंग इज हिडन, कुछ अभी छुपा हुआ है। फ्रेंड्स आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के पजेसिव तो हैं, पजेसिव लाइक रिलेशनशिप जो भी है आपका इस पर्सन के साथ, इसे खोना नहीं चाहते हैं। बट इसमें फ्रेंड्स देर इज सम थर्ड पार्टी सिचुएशन। इफ यू आर श्योर फ्रेंड्स, तभी आप इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस देखें। टेम्परेंस कार्ड यहाँ बता रहा है आप दोनों के बीच समथिंग इज मिस्टीरियस और समथिंग इज हिडन। जस्ट अ मिनट। तो फ्रेंड्स आपके पर्सन या आप मूव ऑन तो कर रहे हैं एक दूसरे से, इट मींस करंट रिलेशनशिप में कुछ डिस्टरबेंस चल रहा है और थोड़ा बर्डन हो गया है। फ्रेंड्स आपके पर्सन या आप इन दिनों अपने अपने पास्ट को ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पास्ट मेमोरीज हैं। फ्रेंड्स मे बी आपको इन दिनों आपकी लाइफ का जो पास्ट रहा है सिंस चाइल्डहुड, वो सब रिकवर हो रहा है, एक तरह से विजन ड्रीमिंग हो रही है। सेम थिंग हैपन्स विद योर पर्सन, उनके साथ भी हो रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ ट्रस्ट इश्यूज तो नज़र आ रहे हैं, बट द हायरोफेंट कार्ड बता रहा है प्रॉपर काउंसलिंग रिक्वायर्ड है। इट मींस ट्रस्ट इश्यूज होने नहीं चाहिए, बिकॉज आप दोनों का जो रिलेशनशिप है दिस इज एंजल ब्लेस्ड, द स्टार भी है बॉटम ऑफ द डेक में। इट मींस आप दोनों का रिलेशनशिप फ्रेंड्स, इवन इफ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अगर है, तो भी आप दोनों का रिलेशनशिप इज बेटर देन थर्ड पार्टी। फ्रेंड्स आप दोनों की ही लाइफ में कर्मास का रोल चल रहा है, जजमेंट एज अ डिमेरिट आया है फ्रेंड्स यहाँ पर। इट मीन्स अभी भी एक पर्सन अपने पुराने एडिक्शंस को या अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ नहीं रहे हैं, ऑल्दो उनकी लाइफ में एक यूनिवर्सली अलार्म कॉल दिया जा चुका है। और इसी वजह से फ्रेंड्स
थिंग्स आर टाइड अप। वेल फ्रेंड्स, आपके लिए एज एन एडवाइस आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स आप अपने ग्राउंड पर रहें फ्रेंड्स, फॉर सम टाइम यू शुड गिव लिबर्टी टू दिस पर्सन, इनको लिबर्टी दे दें, बिकॉज आपका रिलेशनशिप तो इस पर्सन के साथ फ्रेंड्स एंजल ब्लेस्ड ही है, गुड रिलेशनशिप है। लेट्स फाइंड आउट फ्रेंड्स, यहाँ टेम्परेंस, सिक्स ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस क्या बताना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप दोनों में से एक पर्सन आइदर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या फिर हो सकता है आप ही आपस में एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। बट जो भी है फ्रेंड्स, यहाँ आपके पर्सन के अनहेल्दी हैबिट्स, एडिक्शंस की वजह से इम्प्रूवमेंट अभी नहीं है। तो लेट्स क्वालिफाई फ्रेंड्स कि ये कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ब्रोकन हार्ट, इनडिसीजन, स्टॉर्म वार्निंग। फ्रेंड्स, कुछ बड़ा मिस्ट्री छुपा हुआ है, कुछ ब्रेकअप है जो छुपा हुआ है। This breakup can be either with you or with third party. But friends, आपके साथ जो connection आया है that is also angel blessed. तो ऐसे में maybe आपके person जो हैं, जो कि इस वक्त third party situation में हैं, या फिर addictions हैं उन्हें, या unhealthy habits हैं, तो ये उनके लिए heart breaking proof होंगी आगे जाकर। आपके साथ कैरिंग कनेक्शन है फ्रेंड्स, बट आपके पर्सन जो हैं फ्रेंड्स, वो नहीं समझ पा रहे हैं दैट उन्हें किसी तरह का डिसीट मिल सकता है। फ्रेंड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एक्वेरियस साइन बहुत प्रोमिनेंट आया है, पाइसेस भी और सेजिटेरियस भी, टॉरस भी। नंबर 6, 3, 4, 2, 8, 5 आपके ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वक्त देखा जा सकता है जो भी होगा फ्रेंड्स इस रिलेशनशिप में, दैट विल बी गुड, वो अच्छा ही है, और आप दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है। थिंग्स, द बॉल विल बी इन योर कोर्ट। आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है फ्रेंड्स इस पर्सन से। ये आपके लिए एज एन एडवाइस आया है फ्रेंड्स, मेडिटेट एंड टर्न इनवर्ड टू डिस्कवर योर सोल्स ट्रू डिजायर। आप अपने अंदर झांक कर देखें फ्रेंड्स कि आपकी डिज़ायर क्या है। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर एक्शन, बिल्कुल एक्शन का समय नहीं है। डिवलप योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स एंड ट्रस्ट द विजडम रिसीव। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, वो कैमरा हीटेड होने की वजह से आवाज। तो यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये राइट टाइम नहीं है एक्शन लेने का, और आप भी अपने सॉल की जो डिज़ायर है, इनर सेल्फ आपका क्या चाहता है, वो समझें। और इस टाइम पीरियड पर फ्रेंड्स, ये ज़रूरत है जब आप अपने विजडम लेवल को भी इम्प्रूव करें। यहाँ देखते हुए लग रहा है फ्रेंड्स, आप दोनों के बीच रिलेशनशिप एंजल ब्लेस्ड है, कर्मास का खेल भी इसमें है, और इसमें आप और आपके पर्सन दोनों एक मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं। 222 एंजल नंबर भी इस रीडिंग में बना है फ्रेंड्स, इसे आप गूगल कर लीजिएगा, मीनिंग ऑफ एंजल नंबर 222।
फ्रेंड्स, आप दोनों के बीच एक पहेली है, पहेली लाइक एक रिडल है। सिचुएशंस को सेम पेज पर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट जो भी है फ्रेंड्स, दिस इज फॉर गुडनेस, अच्छाई के लिए ही है। फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं, एट ऑफ सॉर्ड्स कार्ड क्या बताना चाहता है आपको, बिकॉज यहाँ इस कार्ड को देखते हुए लग रहा है कि दोनों के बीच स्टेबिलिटी थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। यस फ्रेंड्स, कंफ्यूजन वाला स्टेट है, अभी कंफ्यूजन चलेगा, बट इस कंफ्यूजन के टाइम फ्रेंड्स आपको, आप दोनों के बीच किसी भी तरह का डिस्प्यूट अगर है तो उसे बड़ा नहीं कर लेना है। डू नॉट मेक अ मेस। अब एंजल से गाइडेंस लेते हैं फ्रेंड्स। साइन एंड नंबर आपको बता दिए हैं जो आपसे रिलेटेड हो सकते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स रिमेन पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स अगले कुछ मंथ्स में, लाइक 2 to 6 months में कुछ क्लैरिटी आप दोनों को आपस में मिलेगी। दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर।